वो जो जो कहते हैं ट्रेडिशनल स्किल्स में, जैसे प्लम्बिंग हुई ना, कारपेंट्री हुई ना, वेल्डिंग हुई, इस दफ़ा पहली मरतबा इस गवर्नमेंट ने हाई टेक में देखा कि कैसे ट्रेनिंग हो सकती है। देखिए, ये हाई टेक ट्रेनिंग तो यूनिवर्सिटीज़ में होती रहती है, मगर कम जो है, जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज बहुत इन टेफ्टा इंस्टीट्यूशंस, बट ऑल्सो यूनिवर्सिटीज़ में पहली मरतबा इस किस्म की शॉर्ट टर्म हाई टेक ट्रेनिंग। और जो मैं कोर्सेज देख रहा हूँ, एंड रियली थैंक्स टू एयर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग इट पॉसिबल। वी वॉन्टेड टू फोकस ऑन थिंग्स लाइक यू नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा एनालिसिस, ये चीज़ें पहले कभी हुई नहीं पाकिस्तान में। अगर हुई तो बहुत 3 साल के कोर्सेज, 4 साल के कोर्सेज। और आजकल का दुनिया जैसे है, वी आर मूविंग टूवर्ड्स नॉट नेसेसरली कि बस डिग्रीज चाहिए, वॉट वी नीड इज द स्किल्स। अगर डिग्रीज हों तो बहुत अच्छी बात है, और डिग्रीज एवेंचुअली अगर आप ये स्किल्स सीखें तो मिल भी जाती हैं, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये स्किल्स ले लें। और एक दफ़ा स्किल्स ले लेते हैं तो आप एम्प्लॉयबल हो जाते हैं। बल्कि काफ़ी सारे जिन लोग ने अप्लाई करा था इस प्रोग्राम में, शायद एयर यूनिवर्सिटी में भी, मगर काफ़ी सारे जो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ और दूसरे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जिन लोग ने अप्लाई करा, वो पहले ग्रेजुएट्स थे, मैथ्स के ग्रेजुएट्स थे, कंप्यूटिंग साइंस के ग्रेजुएट्स थे, और अनफॉर्चुनेटली उनको जॉब्स नहीं मिली थी। मगर जब उनने ये स्किल्स ट्रेनिंग कोर्स करी, जो स्किल्स फॉर ऑल कामयाब जवान के नीचे आई हैं, इन ये बड़ी स्पेसिफिकली टारगेटेड थी कि जॉब से लिंक्ड हो, कि फौरन जॉब मिल सके। एक जो स्पेशल मिनिस्टर ने हम लोग को इंस्ट्रक्शंस दी थी बड़ी क्लियरली कि 80% एटलीस्ट 80% एम्प्लॉयबिलिटी होनी चाहिए, और कोई ऐसा कोर्स नहीं हो जिसमें अगर बच्चा निकले तो उसको फौरन जॉब नहीं मिले। तो ये एक बड़ी एक चैलेंज था। पहले भी जैसे हमने कहा कि ये यूथ स्कीम्स होती रही हैं, मगर एम्प्लॉयबिलिटी उसमें इतनी कोई ख़ास नहीं थी। मगर ये पहली मरतबा हम लोग देख रहे हैं, और आप लोग ख़ुद कंफर्म करिएगा, और अगर नहीं कंफर्म कर सकते तो प्लीज़ कंप्लेन भी करिए। वी आर वेरी रेडी टू लिसन टू एडवाइस एंड क्रिटिसिज्म। मगर जो मेन क्राइटेरिया था कि लिंक्ड हो इंडस्ट्री से, और फौरन आप, बल्कि ग्रेजुएट करने से पहले आपको जॉब मिले। और आप शायद आज कुछ सक्सेस स्टोरीज भी सुनिएगा विच होपफुली विल इंस्पायर मोर पीपल। मगर सबसे एक रिक्वेस्ट है आप लोग बच्चों से कि प्लीज़, ये एक जर्नी का स्टार्ट है, ये ख़त्म नहीं है। ये आप यू नो एक कोर्स करते हैं 6 महीने का, आप उस पर स्टार्ट करते हैं, आप इंशाल्लाह आपको जॉब भी मिल जाती है। मगर आप ये करें कि 1 साल के बाद ना, 2 साल के बाद फौरन आके एक और कोर्स करें और अपनी टेक्निकल स्किल्स बढ़ाते जाएं। वेस्ट में ये होता है कि वो वर्चुअली ज़िंदगी भर लोग अपने स्किल्स बढ़ाते रहते हैं, और उससे उनकी अपनी कैपेबिलिटीज़, अर्निंग पोटेंशियल, उनकी अपनी कंपनी बनाने में बढ़ती जाती है कैपेबिलिटीज़। तो ये है इस नया पाकिस्तान का फोकस। एंड खान साहब ने, आपने सुनेगा प्राइम मिनिस्टर का, कि स्किल्स करें तो खुद ही जॉब्स मिल जाएंगे। और दूसरी चीज़ भी, ये एक पर्सनल मेरा हॉबी हॉर्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में, कि देखें प्लीज़ बच्चे, प्लीज़ डोंट लुक एट द गवर्नमेंट ऑल द टाइम फॉर जॉब्स। आपके पास अगर स्किल्स होंगे तो जॉब्स आपके दौर के आपके पास आएगी। ये आपको गवर्नमेंट से कि आप जो लाइन लगी रहती है कि गवर्नमेंट की एक कोई जॉब मिल जाए, वो ज़रा छोड़ दें। स्किल्स होंगे तो आपके पास इतने अपॉर्चुनिटीज़ होंगे जॉब्स करने के लिए कि आपको कोई गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि गवर्नमेंट आपके पीछे भागेगी। सो रियली दिस इज़ द विजन, एंड आई एम रियली प्राउड टू बी हियर। देखिए, ये एक स्टार्ट है। अभी तो इस ट्रांच में हम लोग 100,000 कर रहे हैं, दूसरे भी कंपोनेंट्स हैं, एक्चुअली टोटल 170,000 है, मगर अभी 100,000 कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये बिफोर 2023 वील होपफुली डू एटलीस्ट 500,000। बट पॉइंट इज, यू शुड बी प्रमोटिंग इट।
आप लोग जो हैं इसको जाके बताएं कि इसका क्या फ़ायदा है, एंड एट द सेम टाइम जहां हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं प्लीज़ बताएं कि कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी मुख्तसर सी बात थी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर। थैंक्स। थैंक यू सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नाफ्टेक मिस्टर नासिर खान टू से अ फ्यू वर्ड्स। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ जनाब उस्मान डार साहब, वाइस चांसलर एयर यूनिवर्सिटी, चेयरमैन नैपटेक, माय कोलीग फ्रॉम बैंक ऑफ पंजाब, वाइस चांसलर हजरात, हमारे हुनरमंद तलबा, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम और तमाम कामयाब तलबा को मेरी तरफ से मुबारकबाद। मैं आपको बताऊंगा इस प्रोग्राम का थोड़ा सा बैकग्राउंड, हम टारगेट क्या कर रहे हैं, किस तरीके से ये डिफरेंट है। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले जब हमें प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से और उस्मान डार साहब से इंस्ट्रक्शंस मिली कि जो स्किल का शोबा है, हुनरमंदी का जो शोबा है, उसको किस तरीके से हमने कामयाब जवान के साथ इंटीग्रेट करना है और क्या प्लान हम दें कि हुनरमंदी में भी कामयाब जवान के तहत कंट्रीब्यूट कर सकें, हम अपने नौजवानों के लिए कुछ कर सकें, तो हमारे पास दो ऑप्शंस थे। एक पुराने वाला जिसमें फोकस किया जाता था नंबर्स पे कि हम प्लान बना के दें 50,000 यूथ का, 100,000 यूथ का, और उन यूथ को फिर हम ट्रेडिशनल या नॉन ट्रेडिशनल जिस किस्म के भी ट्रेड्स हैं वो उनको दें, एंड देन जो हमारी बेसिक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हो वो हम इससे डिराइव करें कि हमने इतने हज़ार नौजवानों को ट्रेन कर दिया। ये हमारे पास एक रास्ता है और जो पास में अडॉप्ट भी किया जाता रहा। दूसरा ऑप्शन ये था कि हम इस अपॉर्चुनिटी को इस तरीके से अवेल करें कि ना सिर्फ नौजवानों को स्किल ट्रेनिंग दें बल्कि इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें कि किस तरीके से जो हमारा हुनरमंदी का शोबा है उसको हम एट पार ले आ सकें जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, और जो इंडस्ट्री मींस हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री और जो हमारा इंटरनेशनल मार्केट में जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, और हमारे जो स्किल के शोबे में जो कमी है उसको किस तरीके से हम पूरा कर सकें। हमने दूसरा रास्ता चुना, मुश्किल रास्ता था क्योंकि सबसे पहले जो हमने इसमें कोशिश की और जिसका आज एक जो इंडिकेशन है और एक सबूत जो है वो आज की तकरीब के की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि पाकिस्तान में स्किल के शोबे में, टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग के शोबे में किस तरीके से हम हाई एंड और हाई टेक टेक्नोलॉजीज़ को लेके आ सकें, क्योंकि ट्रेडिशनली ये समझा जाता था जब हम टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करते थे तो ट्रेडिशनली यही समझा जाता था कि कुछ टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग के जो कॉलेजेस बने हुए हैं, पॉलीटेक्निक कॉलेजेस, वहाँ पे नौजवान जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली वो नौजवान जाते हैं जो किसी भी और शोबे में एब्सॉर्ब नहीं हो सकते, ना वो मेडिकल में जा सके थे, ना वो इंजीनियरिंग में जा सके थे, ना वो जो हमारी ह्यूमैनिटीज़ हैं मास्टर लेवल का, वहाँ से जो बचे कुचे नौजवान होते थे वो टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग के शोबे में आते थे। सो वी वांटेड टू चेंज द परसेप्शन और हम चाहते थे कि इस शोबे को नौजवानों की प्रायोरिटी में टॉप पे ले आए। ये एक चैलेंज था। अब इसके साथ साथ दूसरा चैलेंज ये था कि वो हम फैसिलिटीज़ कहाँ से पैदा करें जिसके तहत हम उनको ये दे सकें और ग्रेजुअली इस शोबे को आगे लेके आ सकें। इसके लिए हमने फिर प्लान किया, उसमें हमें प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से पूरा सपोर्ट मिला, उस्मान डार साहब की हमें थ्रू आउट हमें एसोसिएशन भी हासिल रही, हमें इंस्ट्रक्शंस भी हासिल रही, गाइडेंस भी हासिल रही और हमें पुश भी करते रहे कि हमने इस तरह करना है। जो ट्रेनिंग का डिज़ाइन मैं आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जो हमने इस ट्रेनिंग के पूरे डिज़ाइन को चेंज किया, हम पुराने वो मार्केट पुराने वो नंबर गेम से निकल के हमने ये किया कि हमने पहले ट्रेनिंग प्रपोजल्स ली पाकिस्तान के सारे इदारों से, चाहे वो इंडस्ट्री बेस्ड हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे वो पॉलीटेक्निक कॉलेजेस हो, और उनको हमने कहा कि आप हमें ट्रेनिंग प्रपोजल्स दें और वो ट्रेनिंग प्रपोजल्स होनी चाहिए उस बेसिस पे कि इंडस्ट्री क्या आपसे, मार्केट आपसे क्या डिमांड करता है।
मार्केट में किस किस्म के स्किल्स की ज़रूरत है। हमें पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 2000 से ज़्यादा प्रपोजल्स आई, उसको फिर हमने स्क्रूटनाइज किया, डिमांड उसमें इंडस्ट्री की, मार्केट की डिमांड क्या है, इंस्टीट्यूट्स के साथ फैसिलिटीज़ क्या हैं, टीचर्स उनके पास किस क्वालिटी के अवेलेबल हैं, और वो हमें कितना कमिटमेंट देते हैं, जैसे चेयरमैन साहब ने आपके साथ शेयर किया, हमें कितना कमिटमेंट देते हैं कि वो फिर जब नौजवान यहाँ से ग्रेजुएट होंगे तो वो कितनी उनकी पॉसिबिलिटी है कि वो मार्केट में अब्सॉर्ब हो सकें और उनको फिर जॉब्स भी मिल सके या फिर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ वो जा सकें। तो इस बेसिस पे हमने उनको इंस्टीट्यूट्स को, सारी ट्रेनिंग प्रपोजल्स को हमने एग्जामिन किया, तकरीबन 550 इदारों को हमने उसमें से चुना। लेकिन यहाँ पे भी हमने अपनी कोशिश की नैपटेक ने कि अपनी मर्जी नौजवानों पे ना इम्पोज करें, बल्कि हमने इसको प्रोविजनल उन इदारों को सिलेक्ट किया, एंड देन वी स्टार्टेड आस्किंग यूथ लाइक यू कि अब आप उन इदारों को अप्लाई करें, और फिर जिस इदारे के पास, जिस तरह वाइस चांसलर साहब ने कहा कि इस इदारे के पास 2000 एप्लीकेशंस आई फॉर 150 ट्रेनिंग स्लॉट्स, सो ये हमारे लिए एक इंडिकेशन था, क्योंकि हमारा यूथ आज एक इन्फॉर्म्ड यूथ है, हमें इससे यूथ की प्रायोरिटी पता चली कि यूथ कहाँ पे, हमारे नौजवान किन ट्रेड्स के लिए किन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ना चाहते हैं, किस किस्म की स्किल्स हासिल करना चाहते हैं। तो हमने इस सेकेंड स्टेज को फाइनल स्टेज बना के फिर हमने उस इन इंस्टीट्यूट्स को फाइनलाइज़ किया, और फिर वहाँ से हमने जाके ट्रेनिंग स्टार्ट की। अल्लाह ताला का बहुत फजल है कि हमने पहले बैच में, डिस्पाइट जो हिकअप्स आई कोविड की वजह से, उसके बावजूद हम इस काबिल हो सके कि पूरे पाकिस्तान में 37,000 यूथ को हम 174 टेक्नोलॉजीज़ में, जब हम हाईटेक की बात करते थे तो हमें कहा जाता था कि ये तो जी कोई 24-25 किस्म की टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी और ये क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डेटा एनालिसिस, ये सारे आ जाते हैं। बिलीव मी, जब हमने इसको पूरा सेक्टर वाइज इसको स्टडी किया तो हर सेक्टर में हॉस्पिटैलिटी के अपने हाई एंड के ट्रेड्स हैं, एग्रीकल्चर के अपने हाई एंड के ट्रेड्स हैं, कंप्यूटर के अपने हाई एंड के ट्रेड्स हैं। सो ये जो आप आज बैठे हुए हैं, इस ये वो नौजवानों का एक कोहर्ट है पूरे पाकिस्तान का, जिसने 174 टेक्नोलॉजीज में ये ट्रेनिंग हासिल की है। सो वी वर वेरी फॉर्चुनेट, और इन विद डेफिनेटली विद कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक एयर यूनिवर्सिटी, हम पहले बैच में 37,000 स्टूडेंट्स को 174 हाई टेक्नोलॉजी, हाई एंड और हाई टेक टेक्नोलॉजीज में ट्रेन कर सके हैं। सेकेंड बैच हमने इनरोल कर लिया, चूँकि इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट को बंद करने पड़े थे कोविड की वजह से, तो सेकेंड बैच हमने स्टार्ट कर लिया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा हिकअप आया, जो अब जब इंस्टीट्यूट दोबारा स्टार्ट हो रहे हैं तो वो सेकेंड बैच भी अपनी ट्रेनिंग जो है वो कमेंस कर रहा है। सो ये पूरा का पूरा एक जो मैं चाह रहा था कि आपके साथ शेयर करूँ कि किस तरीके से हम इस शोबे को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आगे ब्रीफली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आगे हम क्या करना चाह रहे हैं। आगे इसी सफ़र को हम कंटिन्यू करके, हम सबसे पहला जो हमारा नेक्स्ट माइलस्टोन आ रहा है, अपार्ट फ्रॉम दोस 50,000 स्टूडेंट जो हमने इनरोल करना है, किए हैं उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए, हम पूरे पाकिस्तान में 75 हाई टेक कामयाब जवान हाई टेक स्किल सेंटर्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और ये इंशाल्लाह अक्टूबर 2021 इसी साल के अक्टूबर तक कम्प्लीट हो जाएंगे। बहुत सारा काम उसमें हमने कर लिया है, ये डॉट करेंगे पूरे के पूरे पाकिस्तान को, और इंशाल्लाह इसमें हर एक सेंटर में वो सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी जो किसी भी स्किल सेंटर्स में, जो दुनिया के बेहतरीन सेंटर्स हैं वो उसमें होनी चाहिए। लाइक इसमें डिस्टेंस लर्निंग का की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी, उस पर वो हमारे नौजवान जो बाहर जाना चाहते हैं ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनके लिए ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटेशन सेंटर्स होंगे जो ओरिएंट करेंगे उनको कि आपसे बाहर के एनवायरनमेंट में जाने के लिए आपसे क्या रिक्वायरमेंट है। इसमें जॉब प्लेसमेंट सेंटर्स होंगे, उसमें टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे, और वो नौजवान जो अपना कोई बिज़नेस आइडिया डेवलप करके आगे जाके एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहते हैं, इसमें बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर्स होंगे। सो हम कामयाब जवान के तहत, हुनरमंद पाकिस्तान के तहत, इस पूरे के पूरे शोबे को आप नौजवानों की ज़रूरत के मुताबिक लेके आ रहे हैं, ताकि वो आपके सलाहियतों को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लॉयट कर सकें और आपको इस काबिल बना सकें कि आप मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकें।
आई विल कंक्लूड बाय कुछ बातें वीसी साहब ने की. एक तो उन्होंने कहा जी कुछ स्टूडेंट्स जो थे उनकी कॉम्पिटेंसी, स्टूडेंट्स की इनिशियल कॉम्पिटेंसी में थोड़ा सा गैप था. हमें भी अंदाज़ा है कि इसमें डेफिनेटली इस किस्म के प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये एक पायलट प्रोजेक्ट था. सो वी आर लर्निंग. और वीसी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि आपके फीडबैक्स उनके पास अवेलेबल हैं. सो आई विल रिक्वेस्ट हिम के, और आई विल रिक्वेस्ट ए यूनिवर्सिटी के, इस किस्म के जितने भी फीडबैक्स हैं वो हमारे साथ अगर शेयर करें तो हम फिर आगे जाके जो हम इस शोबे में जितनी इनोवेशन, जितनी हम आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं, दीज फीडबैक्स विल गाइड अस कि हम अपने अपने प्रोग्राम को किस तरीके से बेहतर बना सकें. सो विद दीज वर्ड्स वंस अगेन थैंकिंग यू. आपकी पेशेंट लिसनिंग का मेरी गुजारिशात को वी आर लुकिंग फॉरवर्ड. आई विल लीव द स्टेज विद दिस फाइनल रिक्वेस्ट के ये जो हम आज इस जगह पे इकट्ठे हुए हैं और पर्टिकुलरली जो हमारे हुनरमंद नौजवान हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड. आप ये जो आपको मौका मिला है, आप अपने जो आपके सोशल नेटवर्क है आप इस बात को फैलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान इस शोबे की तरफ आएं, उनको ये यकीन दिलाएं कि वो अब आप अगर टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करते हैं तो आप प्लम्बिंग वेल्डिंग इसकी बात नहीं कि वो भी अपने एंड पे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अब इसमें बहुत सारे आप जैसे एजुकेटेड यूथ के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. तो आप इसको बात को फैलाएँ और उनको आमादा करें कि वो भी आएँ और इन मौक़ों से मुस्तफ़ीद हों. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. I would now like to call upon the Group Head, Human Resources from Bank of Punjab, Ms. Alia Zafar, to say a few words. Assalamu alaikum, everyone. Salam ka jawab de dein. It would be nice. Thank you very much. Thank you for having me over here. I'm really indebted, Honorable Usman Dar Sahab, Vice Chancellor Sahab Javed Sahab, and Chairman NAFTEC. Nasir is my civil services batchmate, so great to see you here. And it's always difficult to speak after Nasir. He thinks he doesn't speak very well, but he does. So thank you again, and congratulations to all the graduates, first of all. मैं थोड़ा सा जो बातें जावेद साहब ने पहले की उनसे आई वुड लाइक टू कनेक्ट. सो आई वाज जस्ट लिसनिंग टू अ फ्यू ऑफ द कंपोनेंट्स एंड कामयाब जवान फॉर अस इज एसेंशियली अबाउट सक्सेस. सो व्हेन वी टॉक अबाउट सक्सेस आई वांट टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द क्राउड हियर. आई डू सी इन फ्रंट ऑफ मी सम ऑफ द पीपल हु आर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल एंड आई सी इन फ्रंट ऑफ मी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल and potential in terms of how all of you as students and as entrepreneurs can achieve a lot more success than maybe what we have achieved so far. But what I would like to know from all of you are two questions. How many of you were told by your parents ke jao padho aur uske baad naukri karo? Can you just raise your hands? So how many of you were just told ke ji, you know, degree lo aur naukri dhundo? Right? And I think me as well, degree lo naukri dhundo ya khawateen ke liye degree lo shaadi karo. So, you know, put that aside. So that happens a lot. Dusra question, how many of you think you have the power to change the world or to change Pakistan? And you really have that in you? आपको अंदर दिल से लगता है कि जी आपके अंदर ये है. हाउ मैनी, मुझे जरा हाथ ऊंचा खड़ा करके दिखाएं. और ये हाथ इम्पॉर्टेंट है. यू सी दिस इज द यूथ, दिस इज द पावर दैट यू हैव. नाउ अब इस पावर को चैनलाइज करना है एंड आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से कामयाब जवान का प्रोग्राम एंड दिस हुनरमंद पाकिस्तान विच इज पार्ट ऑफ दैट. All these are great visionary initiatives. What is it providing you? ये आपको एक platform provide कर रहे हैं जिसमें, क्योंकि power दो तीन तरह की होती है. Power is not like having a position and then being able to tell people what to do. Power actually lies in
all your hands when you are able to change and transform communities around you. And that power lies with all of us. So empowering youth essentially is what this is all about. So the vision comes from the government, and what we are trying to do with at Bank of Punjab also is leading in Kamyab Jawan by providing that hand-holding, supporting, providing that support in terms of how quickly we can help all the youth who are coming to us also for loans, for disbursement of loans, how quickly we can do it, how efficiently and with fair and obviously fair systems we can do that. So when we go around the vision and we look at the implementations part, I think we are all engaged in the implementation part, but you are the vision and you are the future. Do teen cheeze aap logon ko dekhna bahut zaruri hai, because what the government is giving you essentially is making you come to the table. Inclusion sabse important cheez hai, to be able to get a step in the door, and that's what all these components provide you. What are you supposed to do with it? Aapne iske sath kya karna hai? What do you think you need to create? So what you need to create is the influence and the impact. So agar aap teen IAs ko istemal kare aur yaad rakhein apni zindagi mein, aapko influence aur impact inclusion se mil raha hai. Inclusion kahan se aa rahi hai? From all these programs. So please make use of it and make good use of it. When we go into any area of work, hamare jo financial independence hai, उसी की वजह से हमारे वालदैन हमें कहते थे कि जी आप नौकरी कर लें. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ नौकरी से नहीं मिल सकती, इट कम्स फ्रॉम इन अ नंबर ऑफ वेज. अ लॉट ऑफ यू हैव विजन फॉर योरसेल्फ, यू हैव ड्रीम्स फॉर योरसेल्फ, यू हैव आइडियाज़ विद यू, यू हैव इंटरनेट विच इज़ अ ग्रेट इक्वलाइजर. जिस टाइम पर हम लोगों ने पढ़ा था उस वक़्त ये सब चीज़ें इस तरह नहीं थी. आप सब के पास, अ पर्सन सिटिंग इन केपीके, एंड आई हैव गॉन थ्रू द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अक्रॉस केपीके विद यू एंड ऑल्सो, व्हाट वी हैव सीन इज दैट पीपल एवरीवेयर, यूथ एवरीवेयर आर मोटिवेटेड, दे हैव आइडियाज, दे आर रेडी एंड अवेलेबल टू गो फॉरवर्ड. सो व्हाट वी कैन प्रोवाइड आर द टूल्स, द मैकेनिज्म्स, द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ इट, of how to take you forward, but what you bring are the ideas. So keep working on those ideas. Last but not the least, I would just like to point to one main component that you need to keep working at, and that's yourself. Be true to yourself. अपने आप से honesty करना, अपने dreams को आगे लेके जाना, that is the essence of what we are all about. Success is extremely important, but if you achieve a success without happiness at the end of it, it will really not help you. So work in the areas where you think that you have your passion. So if you're passionate about starting a startup, if you're passionate about education and you want to start something on that side, if you're passionate about AI and you want to work in that area, work, be good at it, be excellent at it, learn, and as you learn, you also find that happiness in your work, which otherwise you won't find. So you have fun at work, work does not remain work then. So that's the core of all of what we do. So be true to yourself and you will find a lot of happiness, and you will definitely find success, because success follows all those who actually go after their own true self. So with that, thank you so much for giving me this time. And once again, I would like to congratulate all of you. A big hand for yourself. Apne liye taali bajaiye. Thank you. Thank you, ma'am. Ladies and gentlemen, I would like to call upon our trainee, Ms. Hina Nasir Kayani, the first position holder in artificial intelligence, to express her views on the course.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहतरम उस्मान डार साहब चेयरमैन नैकटेक वॉइस चांसलर एयर यूनिवर्सिटी मुअज्ज़ज़ मेहमान गिरामी ख़वातीनों हज़रात और मेरे साथियों अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला। मेरा नाम हिना नसीर कियानी है और मैं इस कामयाब नौजवान प्रोग्राम जिसकी तकरीब में आज हम सब यहाँ मौजूद हैं उसका एक हिस्सा हूँ। मैं आज़ाद कश्मीर के एक ऐसे गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ जो हुसूल तालीम की बहुत सी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मेरे वालिदैन उसातज़ा हैं। मेरी आज यहाँ मौजूदगी और आप सबके सामने आपको अपने बारे में बताने की जो वजह है अगर उस पर रोशनी डाली जाए तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से फराहम किए गए नौजवानों को अपने लिए कुछ करना और अपने मुल्क के लिए कुछ करने के लिए जो बेहतरीन मौका फराहम किया है उन्हीं 37,000 नौजवानों में से मैं भी एक नौजवान हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज यहाँ आप सबके सामने ये जो हिना मौजूद है इस कोर्स ने इसको एक मैथ्स की तलबा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फ़नी महारत से कैसे रोशनास कराया और ये भी बताऊंगी कि मुझे इससे क्या इस्तेफादा हासिल हुआ। बीएस मैथमेटिक्स की डिग्री मुकम्मल करने के बाद मुस्तकबिल के लिए मुझे कोई वाज़े रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। जो ही मुझे हुकूमत की तरफ से किए जाने वाले इस इकदाम के बारे में इल्म हुआ मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अप्लाई कर दिया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही क्यों, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो उसका स्कोप भी बहुत है, डिमांड भी बहुत है और मैथ्स का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत गहरा ताल्लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दाखिला हो गया। इस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हूँ कि इमेज प्रोसेसिंग, नॉलेज ग्राफ और न्यूरल नेटवर्क्स पर मैंने काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं एक अच्छी आमदनी की हामिल हूँ और एज ए फ्रीलांसर भी काम कर रही हूँ। अगर मुस्तकबिल के बारे में बात की जाए तो मुस्तकबिल में मैं एक ऐसी ऐप पर काम कर रही हूँ जिससे आप घर बैठे अपने फिंगरप्रिंट से अपना वोट डाल सकते हैं, जिससे हम बहुत सी, आप सब जानते हैं कि बहुत से मसाइल से हम लोग बच सकते हैं और जो कि मैं आइंदा आने वाले एक साल में इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल कर लूँगी। अब मेरे पास एक वाज़े रास्ता, एक मंजिल मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं पूरे एतमाद के साथ ये बात कह सकती हूँ कि इस सफ़र तरक्की के इस सफ़र में दुनिया के साथ शाना बशाना चल सकती हूँ और इस रोशन मुस्तकबिल का क्रेडिट दूँ और इसका शुक्रिया, दिल से इस चीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हुकूमत पाकिस्तान और बिलखसूस वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का, जिन्होंने नौजवानों और इस मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए इतना बेहतरीन कदम उठाया। मैं बेहद मशकूर हूँ नैपटेक टीम की जिनकी अनथक कोशिशों की बदौलत आज ये कोर्स पूरे मुल्क में रोशनास हो चुका है और इसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी एयर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट और अपने इंस्ट्रक्टर्स का जिन्होंने हुकूमत के इस ख्वाब को हकीकत का रूप दिया, एक अमली जामा पहनाया और उस हकीकत के रूप के तौर पर आज हम सब आपके सामने यहाँ मौजूद हैं। और इस सब के साथ मैं अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने हर कदम पर, हर मोड़ पर मुझे सपोर्ट किया। चूँकि इस कोर्स का जो वक्त था वो रात का वक्त था और उस तवील वक्त में मुझे इजाज़त दी कि मैं इसे मुकम्मल कर सकूँ और हर लिहाज से मेरी हौसला अफजाई की। और एट द एंड मैं आप सबका एक दफ़ा फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब ने अपनी कीमती वक्त से वक्त निकाल कर हमारी हौसला अफजाई की। थैंक यू सो मच। और इन नौजवानों के लिए बस यही कहना चाहूँगी जो कि मैंने नहीं, इकबाल ने कहा है, खोल आँख जमी देख फलक देख फिजा देख, खोल आँख जमी देख फलक देख फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। थैंक यू सो मच अलीगा। थैंक यू मिस हिना। आई वुड नाउ लाइक टू कॉल अपॉन अवर सेकंड ट्रेनी मिस्टर मोहसिन मुश्तबा खान, इज आल्सो द फर्स्ट पोजीशन होल्डर इन डेटा माइनिंग, टू शेयर हिज थॉट्स।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहसिन मुश्तबा ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ मियाँ वाली के एक छोटे से गांव से है। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड प्रीवियस एजुकेशनल बैकग्राउंड जियोलॉजी में था। मैंने BS ऑनर्स जियोलॉजी बहरिया यूनिवर्सिटी से की है। अभी मैंने यहाँ पर डेटा माइनिंग के कोर्स में एनरोल हुआ हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी से नवाजा है। और मेरी इस कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ी टीम का रोल था। उस टीम में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आती है, उस टीम में नेवटेक की मैनेजमेंट आती है, जिन्होंने इसको बहुत ही भारत से पूरे पाकिस्तान में इसको स्प्रेड किया। उसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट और हमारे टीचर, जिन्होंने बहुत ही डेडिकेशन के साथ हमारे साथ दिल रात बेलर करके तो हमें इस काबिल बनाया कि आज हम आपके सामने खड़े हो। अगर फ्यूचर की बात की जाए तो आज मैं इस काबिल बन गया हूँ कि मैं फ्रीलांसिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा हूँ ऑनलाइन, और मैं मुख्तलिफ़ मतलब कंपटीशंस में भी हिस्सा ले रहा हूँ। जैसा कैगल एक प्लेटफॉर्म है डेटा साइंस का, जहाँ पे मुख्तलिफ़ कंपटीशंस होते हैं, तो उनमें भी मैं हिस्सा लेता हूँ। और मैं अब एक ऐसी ऐप बना रहा हूँ जिसमें हम डेटा एंट्री के प्रोसेसेस को ऑटोमेट करेंगे। ये ऐप इंशाल्लाह ताला मैं एक साल या 10 महीने के अरसे में कंप्लीट कर दूंगा। और इस ऐप का जो स्कोप है वो ये है कि हम बेसिकली ये ऐप करेगी क्या कि किसी भी डॉक्यूमेंटियों को या किसी भी दस्तावेज़ को स्केल करेगी और उसमें जो भी डेटा होगा उसको अखज करके डेटाबेस पे ऑटोमेटिकली वो सेव कर देगी। इसकी एप्लीकेशन हम लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में मतलब कर सकते हैं। अगेन मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमें अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मिस्टर मोहसिन। लेडीज एंड जेंटलमैन, मूविंग फॉरवर्ड टू द मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ द सेरेमनी, द अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द ऑनरेबल गेस्ट मिस्टर उस्मान डार along with the vice chancellor air university and chairman NAFTEC to please come on stage and distribute the certificates among the participants. The first category is of cloud computing. Anish Asker. Amna Khan. Bushra Iman. Haris Kamal. Muhammad Zainul Abidin. Muhammad Zainul Abidin. Murad Musharraf Khan. Ramsha Tasneem. Saad Khan. Moving towards our second program, that is project management. Moving towards our second program, that is project management, Amir Rehan Khan.
आरिफ अली, आसिफ गुलजार, दानिश नसीर, फाहद हुसैन, फरख अब्बासी, फिजा सादिक, इकरा खालिद, कलीम अब्बास, मदीहा अशरफ, मोहम्मद आबिद, मोहम्मद उजैर, पारस अली, राबिया गिलानी, सना मुगल, शफात अहमद, वहीब अशरफ, Moving forward to data mining, Abdul Sami, Halimullah, Rahila Naseem, Saad Gul, Seher Tabassum, Mohammed Amar Iltaf. Moving forward to artificial intelligence, Abdul Manan Khalid, Fahad Ali Aslam Awan, Muhammad Umar Khan, Mohsin Tariq, Nazia Sultana, Bakar Ahmed. Moving forward to the machine learning category, Abdul Rahman,
हिशाम राशिद, जमीला अख्तर, जवेरिया जिया, मोहम्मद उजैर, रिदा फातिमा, सैयद मोहम्मद अली, मूविंग टुवर्ड्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आबिद अजीज, फिजा मुश्ताक, मदीहा तैयब खान, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद जिशान सलीम, मिस्टर इम्तियाज, सनाउल्ला, सोनिया हनीफ, सुंदर सनम, सैयद बिलाल असगर, मोहम्मद फाहद, तैयबा सतार, तंजीला रियान, वसीम अब्बास मुजाहिद, थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू. Thank you.
Ladies and gentlemen, now I would like to call upon Mr. Usman Khalid. He is a part of Kamyab Jawan program, and he's working towards establishing and promoting a school. So ladies and gentlemen, please welcome Mr. Usman Khalid. Starting with the name of Almighty Allah, the Most Merciful and Beneficent. Worthy Chief Guest Usman Dar Sahab, Honorable Vice Chancellor, A University, Chairman NAVTEC, and my all other colleagues, friends sitting over here. It's indeed a matter of pleasure to be here on this beautiful afternoon. It's really a wonderful to see our youngsters who are recently graduated from university and then after gone through a very professional in-hand training, which definitely built their skills to be employed in different sectors. When I graduated from university back in 2010, definitely I was also in the same scenario, in the same position where you are now. I have been given different choices to go for the job, to go for the business. Even I was appointed in the National Bank as an MTO. But I resigned from there and I decided to go in the business. So I started my first school back in 2009. When I was even a student in the university. So starting my career from there in the field of schooling, alhamdulillah, now after around 12 years, I'm running 43 schools in Punjab and in federal. Mera ek bahut bada khwab tha, kyunki maine ek school se start liya aur 43 pe pahunche. एक्चुअली मैं कॉलेज में जाना चाहता था कि अब हम एक कॉलेज बनाएं. मेरी पूरी फैमिली मेरे इस बिजनेस में साथ है, मेरे वाले साहब एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं. लेकिन कॉलेज एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए आपको एक फाइनेंशियली बड़ी सपोर्ट चाहिए होती है. तो मैंने काफ़ी इसके ऊपर फिजिबिलिटी हमारी रेडी थी, तैयार था, लेकिन फाइनेंशियली चूँकि चीज़ें वाइबल नहीं थी तो मुझे वेट करना पड़ा. और तकरीबन दो साल तक मैं इंतज़ार करता रहा कि जब हम फाइनेंशियली इस पोजीशन में आ जाएंगे तो तब हम, बिकॉज मैं एक अच्छे लेवल का कॉलेज स्टार्ट करना चाह रहा था. सो कामयाब जवान का पता चला तो मुझे जो फर्स्ट इंस्टेंट जो आया मेरे जहन में, जो चीज़ आई वो यही होगी कि इट वुड बी अ ट्रेडिशनल स्कीम, जैसे कि डिफरेंट गवर्नमेंट आती हैं, अनाउंस करती हैं और उसमें लोग अप्लाई करते हैं तो कुछ सिफारिशें चाहिए होती हैं, कुछ मनपसंद लोगों को मिल जाता है, मेरिट पे नहीं होता. तो मैं बड़ा रिलेक्टेंट था इसमें अप्लाई करने के लिए. लेकिन मैंने एक अपने दोस्त को, जानने वाले को, जब उसने मुझे बताया कि मुझे मिल गया है और इसका प्रोसेस बड़ा ईजी है, तो फिर मैंने इस पर इंटरेस्ट लिया. तो मैंने देखा कि तो अप्लाई करना तो बहुत आसान है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई इसमें वो इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी. सो आई डिड दैट. देन आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम बैंक ऑफ पंजाब और फिर मैं बैंक ऑफ पंजाब के प्रोसेस पे गया. इट वाज रियली अ नाइस, हालांकि सरकारी बैंक है तो मैं यही सोच रहा था कि ये वही इनका भी वही एटीट्यूड होगा जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का होता है. ये बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होंगी, बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे. बट ऑन ग्राउंड जो सिनेरियो था, मुझे जो ऑफिस में इनके मिला, ब्रांच में जो मुझे देखने को मिला, वो बिल्कुल ऐसा नहीं था. इट वॉज रियली अ काइंड जेस्चर दे शोन और बड़ी स्मूथ प्रोसेसिंग के साथ इन्होंने लोन डिस्पर्स किया. तो फ्रॉम द फर्स्ट एटिल डिस्पर्समेंट आई रियली फेल प्लेयर विद दिस बैंक.
देन उसके बाद हमने उस पर स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम जो है वो कॉलेज 2 acres के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट हो चुकी है. इंशाल्लाह बाय दिस अगस्त वी आर गोइंग टू इनॉग्रेट दैट कॉलेज. तो ये जो मेरा ख्वाब था इतना बड़ा, ये इस प्रोग्राम के थ्रू कम्प्लीट हुआ. और मैं यही आप सबको भी लास्ट पे एडवाइस करना चाहूँगा, मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग जिस फील्ड को भी ऑप्ट करें, चाहे आप जॉब को ऑप्ट करें चाहे बिजनेस पे आए, ड्रीम बिग, फिर उसके बाद उसके लिए अच्छी प्लानिंग करें, अच्छे रिसोर्सेज की तरफ जाएं. और आपने हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि किसी लेवल पे भी आपका मोटिवेशन नीचे नहीं आना चाहिए. किसी लेवल पे भी आपने मुश्किल आती हैं डिफरेंट उसमें, जो क्योंकि हमेशा रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड तो कभी भी नहीं होते. तो आप जितना अच्छा ख्वाब, जितना अच्छा ख्वाब देखेंगे, जितनी अच्छी प्लानिंग करेंगे, तो इंशाल्लाह आप बहुत नीचे से बहुत ऊपर चले जाएंगे. मैंने जब पहला 2009 में स्कूल बनाया था, वो भी मैंने SME बैंक से 2 lakh rupees लोन लेके बनाया था. आई स्टार्ट इवन आई हैड नॉट दैट मच मनी कि मैं पहला स्कूल भी जो है वो भी मैं अपने पैसों से बना सकता. तो इफ़ आई कैन कम हेयर, तो आप लोग तो मुझे यकीन है कि बहुत ज़्यादा अच्छे वसाइल के हामिल होंगे और बहुत अच्छे स्टार्टअप्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं. आई रियली विश यू बेस्ट ऑफ लक एट द एंड, एंड आई एम ग्रेटफुल टू द बैंक ऑफ पंजाब, ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर एनेबलिंग मी टू सो दैट माई ड्रीम केम टू. थैंक यू. थैंक यू मिस्टर खालिद. Ladies and gentlemen, now I would like to call upon Ms. Amreen Zayal, who is another one of the beneficiaries of Kamyab Jawan program. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामुअलैकुम. मेरा नाम अमरीन सियाल है. आई डू माय एमफिल मैथमेटिक्स फ्रॉम कैदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद. आफ्टर डूइंग मास्टर फ्रॉम एडिड यूनिवर्सिटी, आई फील आई सर्च फॉर जॉब, बट जॉब के लिए मुश्किल हुआ, मुझे बहुत मुश्किल पेश हुई क्योंकि मेरे फादर की डेथ हुई है. तो इस वजह से मुझे जॉब ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि मेरी फाइनेंशियली कमज़ोर थी. तो फिर मैंने PF का एक कामयाब नौजवान पोर्टल देखा, वहाँ से मुझे पता चला कि मुझे लोन मिल सकता है. और मैंने डिग्री भी मैथमेटिक्स में की थी, तो मुझे इसका भी एक बेनिफिट था कि मैं एकेडमी बना सकती थी. तो एकेडमी बना तो सकती थी, लेकिन मेरे पास फाइनेंशियल इतने नहीं थे कि मैं एकेडमी वाला ख्वाब पाया तकमील तक पहुँचा सकूँ. तो मैंने वहाँ से पोर्टल से देखा, गाइडलाइन ली और मैं गई अपने सबसे करीबी नियर ब्रांच बैंक ऑफ पंजाब ब्रांच गई. वहाँ से मुझे बहुत अच्छा गाइड किया गया और वहाँ से मैंने उनसे पूछा कि मतलब इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है. उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया. फिर मैंने अप्लाई किया. विद इन 1.5 month मुझे ये मतलब जो मैंने अप्लाई किया था लोन मिल गया था. ये सब बैंक ऑफ पंजाब कि मतलब इतनी अच्छी कोशिशों की वजह से हुआ कि उन्होंने मेरा साथ बहुत दिया. और दूसरे नंबर पे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की वजह से हुआ, क्योंकि अगर ये मुझे लोन ना मिलता तो मैं कभी भी इस स्टेज पे ना पहुंचती. लोन मिला, देन मैंने एकेडमी बनाई और उससे मैंने अर्न किया और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशली मजबूत हूँ. थैंक यू इमरान ख़ान एंड थैंक यू बैंक ऑफ पंजाब जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया. Thank you, Ms. Amreen. Ladies and gentlemen, before proceeding, I have a special announcement. It has been very kindly pointed out by one of the audience member that the recitation we heard of Surah Alaq, the last word of it is a verse including Sajdah Tilawat, which is wajib. So all the audience members are requested that once they leave or reach their home, please perform that sajda. It's for your benefit. Thank you. Moving forward, I would now like to request the Special Advisor to the Prime Minister on Youth Affairs and Chairman of the Prime Minister's Youth Programme, Mr. Usman Dar, to share his view and vision on this praiseworthy initiative.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैं वाइस चांसलर एयर यूनिवर्सिटी जुवेद अहमद साहब आपका, आपकी सारी फैकल्टी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आज आपने हमें इज़्ज़त बख्शी है कामयाब जवान की टीम की। मैं आपको सलाम अकीदत पेश करता हूँ। उसके साथ साथ जो तमाम नौजवान यहाँ बैठे हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ आज आप यहाँ मौजूद हैं और काफ़ी देर से आप यहाँ बैठे हैं। इसके साथ साथ नैफटेक की सारी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, चेयरमैन जुवेद साहब आपका, ईडी नासर साहब आपका, आपकी सारी टीम का। आपने बड़ी मेहनत के साथ ये कामयाब जवान हुनरमंद पाकिस्तान प्रोग्राम रन किया। पंजाब बैंक की टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अभी तक जो हम लोन दे चुके हैं कामयाब जवान यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम में, उसमें कामयाब जवान में बैंक ऑफ पंजाब लीड कर रहा है। उसके साथ साथ मैं HEC की टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आज शायद उनमें से कोई नहीं आया। HEC भी हमारे पार्टनर हैं मुख्तलिफ कामयाब जवान इनिशिएटिव में। सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कामयाब जवान है क्या बुनियादी तौर पर, फिर उसने अभी तक किया क्या है और आप लोग उसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे नौजवानों के लिए सवाल आते हैं, मैं सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ, अपने ट्विटर अकाउंट पे भी देखता हूँ और जो मेरी सोशल मीडिया टीम है हर हफ्ते मेरे लिए सारे कमेंट्स जो हैं वो एक रिपोर्ट की शक्ल में देते हैं कि लोगों के या नौजवानों के क्या कंप्लेंस हैं या तहफ़ात हैं कामयाब जवान के हवाले से। देखिए, कामयाब जवान प्रोग्राम हमारी हुकूमत की कोई विश लिस्ट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हदायत थी कि हमने पाकिस्तान के नौजवानों को एम्पावर करना है, पाँव पे खड़ा करना है, या कोई भी प्रोग्राम जो हमारी हुकूमत नौजवानों के लिए करना चाहती है वो नौजवानों के मशवरे से होना चाहिए, उनकी इनपुट से होना चाहिए। तो 2019 में जब हमने कामयाब जवान प्रोग्राम को शुरू करने का फ़ैसला किया तो सबसे पहले हमने पाकिस्तान के नौजवानों से मशवरा किया, एक सर्वे किया, और उससे पहले एक सर्वे UNDP भी कर चुकी थी पाकिस्तान में। पाकिस्तान के नौजवान चाहते क्या हैं, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिन पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को काम करने की ज़रूरत है, और एक मैसिव कंसल्टेटिव प्रोसेस किया गया नेशनल इंटरनेशनल यूथ एक्सपर्ट्स के साथ, उनका इनपुट लिया गया। वो तमाम NGOs क्रेडिबल NGOs जो यूथ के ऊपर पाकिस्तान में काम कर रही हैं, मैंने खुद उनके साथ मुलाकातें की, उनका इनपुट लिया। उसके बाद जाकर ये सारा कामयाब जवान प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया। एक तो मैं नौजवानों के सामने ये रखना चाहता हूँ, और कौन सी तीन सबसे बड़ी चीज़ें थीं जिसमें नौजवानों ने इजहार किया कि हम चाहते हैं कि इस एरिया में काम होना चाहिए, तो सबसे नंबर वन एम्प्लॉयमेंट थी, रोज़गार नौजवान चाहते हैं कि हमें बेहतर से बेहतर मिलना चाहिए। जो आज हम कर भी रहे हैं, चाहे कोई ब्लू कॉलर जॉब कर रहा है वो वाइट कॉलर जॉब की तरफ आना चाह रहा है, जो वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं वो उसको भी बेहतर और अच्छी जॉब्स, गुड जॉब्स की तरफ जाना चाहते हैं। तो नंबर वन प्रायोरिटी थी पाकिस्तान के नौजवानों की जॉब्स। नंबर टू जो हमें इनपुट मिला वो था एजुकेशन पे, और एजुकेशन में भी टेक्निकल एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग की बात की जा रही थी। और नंबर तीन एंगेजमेंट, जिसमें पॉलिटिकल एंगेजमेंट और सिविक एंगेजमेंट की बात कर रहे थे पाकिस्तान के नौजवान। जब मैं कहता हूँ पॉलिटिकल एंगेजमेंट, तो बहुत बड़ी तादाद में नौजवानों का ये कहना था कि हमें फैसला साजी में शामिल नहीं किया जाता, हमें पाकिस्तान के जो पावर कॉरिडोर्स हैं वहाँ तक एक्सेस नहीं है, हम चाहते हैं कि हमें फैसला साजी में शामिल किया जाए। मुल्क की 68% आबादी आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान की 30 साल से कम उम्र के नौजवानों पर मुश्तमिल है, तो मैं खुद समझता हूँ ये ज़्यादती होगी अगर हम पाकिस्तान के नौजवानों को, पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा असास है, उनको हम फैसला साजी में उनकी शमूलियत ना हो, उनके उनकी मशावरत शामिल ना हो। इसी तरह सिविक इंगेजमेंट में वॉलंटियर वर्क हमें बताया गया, वॉलंटियर वर्क, स्पोर्ट्स के अंदर इंगेजमेंट्स। तो इस तरह जो तीन चीज़ें हमारे सामने रखी गई, जो बिग फेमस 3 E's थे, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड एंगेजमेंट, इन तीन चीज़ों का मजमू है जिसका नाम है कामयाब जवान।
कामयाब जवान एक अम्ब्रेला है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत की नेशनल यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम की शक्ल में। तो मैं एक एक करके अब आपके सामने ये तीनों प्रोग्राम रखना चाहता हूँ कि हम अभी तक कहाँ पहुँचे हैं और हम क्या करना चाह रहे हैं। और देखें, आज मेरा यूनिवर्सिटी में आने का मकसद और इसके बाद हर रोज़ हम एक यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और फिर पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे। मेरा यहाँ आ जाने का ख़ास मकसद ये है कि आप पाकिस्तान के उन 3-4% लोगों में से हैं जो यहाँ तक पहुँच रहे हैं। और फिर मेरा, मैं ये भी समझता हूँ और मेरा ईमान है कि पाकिस्तान का असल ड्राइविंग इंजन है आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, जो जॉब क्रिएट्स कर सकते हैं, जो सबसे बड़ी डिमांड और जो हमारा कोर मिशन और विजन है कामयाब जवान का, जॉब्स जॉब्स एंड जॉब्स क्रिएशन करनी है हमने। इसलिए मैं यहाँ तक आया हूँ क्योंकि अभी बड़ा ज़बरदस्त आलिया आपका नाम है ना, आपने बड़ा अच्छा इनसे सवाल किया, आप जॉब करना चाहते हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के नौजवानों को का माइंडसेट क्लियर करना कि हमने करना क्या है। हुकूमत जॉब्स क्रिएट कर सकती है लेकिन इतनी बड़ी तादाद में सरकारी नौकरियां पैदा नहीं की जा सकती। अगर हमारी हुकूमत का, मैं समझता हूँ जो इतने बड़े चैलेंजेस हैं उनमें से एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये भी है कि तकरीबन हर साल 20 लाख लोग जॉब मार्केट में आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं, डिग्रियां लेके आ रहे हैं। तो 20 लाख नौकरियां तो हुकूमत सरकारी महकमों में नहीं दे सकती, लेकिन हुकूमत जो कर सकती है वो आप लोगों के लिए एक फैसिलिटेटर का किरदार अदा करें। हुकूमत का काम ऐसे हालात पैदा करना है, ऐसे मौके पैदा करना जिससे जॉब्स क्रिएट की जा सकें। और जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं हम कारोबार को मजबूत करके, इकोनॉमी को मजबूत करके। तो मैं इसलिए ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ में आया हूँ कि वो तमाम नौजवान जो डिग्रियाँ लेते हैं, और सबकी सोच यही होती है कि डिग्री मिलते ही हमें जॉब मिल जाएगी, मेरा नहीं ख्याल आज ऐसा हो रहा होगा। आपको फिर भी स्ट्रगल करनी पड़ती है जॉब लेने के लिए। अगर हम आज MBAs देखें तो लाखों MBAs मार्केट में अवेलेबल हैं। इंजीनियर्स देख लें, आप डिग्रियों के नाम लेते जाएं और आप ये देखें कि आपसे पहले एक क्यू जॉब मार्केट में लगी है, तो अगर आप आज निकलते हैं तो बड़े लकी होंगे कि आपको एक फॉर्मल डिग्री लेते ही जॉब मिल जाए। यही वजह थी जो नौजवान भी चाहते थे कि हमारे स्किल सेट के ऊपर तवज्जो दी जाए, हमें स्किल सेट सिखाया जाए। ये कामयाब जवान हुनरमंद पाकिस्तान के पहले फेज़ में हमने 1 लाख नौजवानों को फैसला किया कि हम इनको स्किल सेट की ट्रेनिंग देंगे, और वो भी हाई एंड में। कन्वेंशनल ट्रेनिंग्स तो पुरानी चलती आ रही थी कि किसी को प्लम्बर बना दिया, किसी को कुक बना दिया, किसी को ड्राइवर बना दिया। हमने पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत को क्रेडिट जाता है, वज़ीर आज़म के विजन को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने फैसला किया कि हम हाई एंड में अपने नौजवानों को स्किल सेट देंगे, स्किल्स ट्रेनिंग देंगे। और ये कामयाब जवान हुनरमंद प्रोग्राम जिसके लिए आज हम यहाँ बैठे हैं, और जो मैं देख रहा था माशाल्लाह नौजवानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डाटा माइनिंग में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, इन चीज़ों में पहली दफ़ा हमने देखा कि आप लोगों को स्किल स्कॉलरशिप्स दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि आप लोग एम्पावर हो सकें। और दोनों सूरतों में ये जो लोग और नौजवान आज सर्टिफिकेट लेने में कामयाब हुए हैं, आपके लिए दोनों रास्ते खुले हैं। आज आप चाहें तो जॉब कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपनी इसी स्किल सेट की बेस पे, जो फ्रीलांसिंग की हम बात भी कर रहे थे, अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। और उसके लिए प्राइम मिनिस्टर की जो एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम, जिसमें 100 अरब रुपये रखे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पहले फेज़ में, 1 लाख से लेकर 2.5 करोड़ रुपए तक आप लोगों को आसान शराइत पर एक्सेस टू फाइनेंस दी जा रही है, वसाइल तक रसाई दी जा रही है हमारे यस प्रोग्राम में। हमारे बैंकों का माइंडसेट नहीं है इस तरह पैसा देना, और स्पेशली जो पहला टीयर है 1 लाख से लेकर 10 लाख का यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम का, वो क्लीन लैंडिंग है, आपको किसी किस्म के कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं। और उसको भी हम बढ़ाने जा रहे हैं, 20 लाख करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला अगले माह। तो 20 लाख रुपए तक आप लोग अपनी शख्सी गारंटी के ऊपर
कारोबार शुरू कर सकेंगे। और बहुत सारे नौजवान कर चुके हैं, बहुत सारी अभी सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं, जैसे अभी आपने कुछ सुना भी है, नौजवानों ने आपसे बात की है। तो मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ, देखिए मैं खुद, मेरा एक बिज़नेस फैमिली से ताल्लुक़ है और मैंने अपनी आंखों से देखा, जब मैं स्कूल जाता था और मेरे वालिद साहब जब अपने भाइयों से उनका बिज़नेस अलग हुआ तो शायद 80,000 रुपीज़ जो एक मिले उन्हें, और अगर उस वक्त उनकी क्रेडिबिलिटी पे मार्केट उनकी फाइनेंशियल हैंड होल्डिंग ना करती और अगर उनको वसाइल तक रसाई उस वक्त मार्केट के लोगों ने दी तो हम काम कर सके, तो वरना आज मैं भी शायद एक जॉब कर रहा होता। लेकिन मेरे वालिद साहब ने फैसला किया हमने कारोबार में ही रहना है, उसी कारोबार को मैंने भी डिग्री लेने के बाद आकर उसी कारोबार को ज्वाइन किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उस एक बिज़नेस से 2,500 लोग ब्राय रास डायरेक्ट जॉब लेके काम कर रहे हैं। तो आप सोचिए एक बिज़नेस ने 2,000 से 2,500 लोगों के लिए ओवर द ईयर्स जॉब क्रिएशन की है। इसी तरह आज की तारीख में अभी तक जो प्राइम मिनिस्टर्स कामयाब जवान प्रोग्राम की एम्प्लॉयमेंट स्कीम है हमारी, जो कारोबार जो लोन दे रहे हैं हम, 10,000 नौजवान अपना कारोबार शुरू कर चुके हैं आज की तारीख में, और उस 10,000 में से भी तकरीबन 7,000 बिजनेस स्टार्टअप्स हैं। ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी अकाउंट भी नहीं खोला था अपना, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज कारोबार कर रहे हैं, और हर एक की स्टोरी खुद का कारोबार शुरू करने से उनको तो जॉब मिल गई, वो तो इम्पावर हो गए। 10,000 बिजनेसेस का मतलब 10,000 जॉब्स क्रिएट हो गई उनकी शक्ल में। लेकिन जो सबसे ज़बरदस्त बात यह है, हर कोई उनमें से एक कम अज़ कम एक जॉब क्रिएट कर रहा है। छोटे से छोटा भी अगर कोई रिटेल स्टोर खोल रहा है उसको भी उसके अंदर एक हेल्पर की ज़रूरत है, वो एक जॉब कम अज़ कम क्रिएट कर रहा है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने कामयाब जवान का आर्टिफिशियल डैशबोर्ड बनाया उसको भी हम पब्लिक करने जा रहे हैं, किस सूबे में, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस तहसील में कितने नौजवान कौन सा कारोबार कर रहे हैं और कितनी रकम हम तकसीम कर चुके हैं, ये सब कुछ हम पब्लिक करने जा रहे हैं अगले 8 से 10 दिनों में। तो फिर आप देख सकेंगे कि ये लोग सॉफ्ट लोन्स लेकर किस तरीके से जॉब क्रिएशन कर रहे हैं। तो मेरा आज ख़ास पैगाम एयर यूनिवर्सिटी के नौजवानों को ये है, जो भी आप में से इस वक्त यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्निकल कोर्सेज भी कर रहे हैं, ये सर्टिफिकेट भी आप लोगों ने लिए हैं, डिपेंड्स ऑन योर डिग्री, तो आप कामयाब जवान यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम का हिस्सा बने। उसके लिए आप kamyabjawan.gov.pk पे जाएं, kamyabjawan.gov.pk यही है ना हमारा, उस पर आप जाएँ और आपको सारी आगे इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपने किस सेक्टर में, कौन सी इंडस्ट्री में आपने लोन अप्लाई करना है, उसके ऊपर आपको सारे टीएस मिलेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हमारा मिशन ही ये है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हदायत ही ये हैं कि आप जैसे नौजवान जिनके लिए ख्वाब है वसाइल तक रसाई, आप तक हमने कामयाब जवान प्रोग्राम को लेके जाना है। और मैं अभी VC साहब से बैठे हुए बात भी कर रहा था कि हम एयर यूनिवर्सिटी को एक पूरा डैशबोर्ड दे देंगे, यहाँ आप में से जो लोग भी बिज़नेस सेक्टर में आना चाहते हैं, जो लोन अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, जो देख रहे हैं कि हमने बाहर निकलते ही जॉब सीकर नहीं बनना, हमने जॉब क्रिएट करनी है, हमने इंशाल्लाह ताला अपने कोलीग्स के लिए जॉब क्रिएट करनी है। देखिए यहाँ कुछ नौजवान जब यहाँ आ रहे थे मैं उनसे पूछ रहा था कि आप क्या करना चाह रहे हैं, कोई कह रहा था मैं कारोबार करूँगा, कोई कहता था जी मैंने जॉब ही करनी है। तो ये एक मिक्स एंड मैच है, आप में से कुछ नौजवान यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम से कर्ज लेकर कारोबार शुरू कर इसी यूनिवर्सिटी के जो उसके दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, उनके लिए एक जॉब का दरवाज़ा खोल सकते हैं। तो ये सोच हमें अब बदलनी है, हम आप ये कामयाब जवान प्रोग्राम आप लोगों की सोच के लिए और आपकी जो डिमांड थी उसके लिए ये सारा तश्कील दिया गया है, डिज़ाइन किया गया है। और मैं आपको ये भी यकीन दिलाता हूँ कि ये जो एक तासुर दिया जा रहा है जी कि किसी को नहीं मिल रहा, जैसे मैंने आपको कहा है कि कोरोना पेंडेमिक की वजह से एक साल हम काम नहीं कर सके थे, इस वजह से उतनी तेज़ी नहीं ला सके, ये जो नया टियर आने जा रहा है उसमें हम 4 टियर करने लगे हैं, 1 से 5 लाख, जिसमें हमारे साथ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होंगे, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स होंगे, ताकि छोटे लोन को हम टारगेट करना चाह रहे हैं देहाती सतह पर।
और फिर 20 लाख के टीयर की जो मैं आपसे बात कर रहा था वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बिल्कुल क्लीन लैंडिंग के लिए तैयार है। देन 2.5 करोड़ और फिर एक टीयर हम लेके जा रहे हैं 5 करोड़ तक, जो हमारे एग्रीप्रेन्योर्स हैं। एग्रीकल्चर में भी हम चाहते हैं जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं वो आएँ, पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर का फेस है उसे तब्दील करें, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे अगले चंद माह में ये सब कुछ होते हुए। सियालकोट से देखें मेरा ताल्लुक है, चंद रोज़ कबल मैंने DHL के वहाँ के हेड को बुलाया और मैंने सारी इन्फॉर्मेशन उनसे ली कि किस तरह इंडस्ट्री में काम हो रहा है। तो आपको हैरानगी होगी कि मुझे DHL का जो हेड है वो कहता है कि डॉक्टर साहब जो हमारा आज सियालकोट में ही सबसे बड़ा क्लाइंट है वो एक फ्रीलांसर है, वो एक लैपटॉप लेके एक कमरे में बैठा है और 1 अरब से ज़्यादा की उसकी ऑनलाइन सेल है, एक्सपोर्ट है, और आपके बड़े बड़े ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स हैं, वो काम नहीं कर रहे जो वो घर में बैठा हुआ एक IT का या ऑनलाइन जो भी वो बिज़नेस कर रहा है इस वक्त वो कर रहा है। तो मेरा ये आप लोगों को ख़ास पैगाम है कि आप लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, और मेरे आ जाने का यहाँ मकसद ही ये था। और जो चेक डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम बाद में करेंगे, आप लोग देखेंगे कि आप जैसे नौजवानों को ये सब कुछ मिल रहा है। मैं आपको ये भी यकीन दिलाता हूँ कि ये प्रोग्राम सियासी बुनियादों पर नहीं चलाया जा रहा। एक तासुर रहा है हमारे मुआशरे में कि ये वाले प्रोग्राम तो यहाँ किसी वजीर मशीर MNA MPA के रिश्तेदारों को पैसे मिलेंगे, आम आदमी को तो मिलते ही नहीं है। तो अभी तक और इंशाल्लाह ताला आगे भी जो पैसे मिलने जा रहे हैं, मैं ये आपसे वादा भी करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हदायत भी हैं कि किसी किस्म की पोलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगी, और ना ही ये सोच के हम ये लोन दे रहे हैं या स्किल स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं या दीगर जो इसके एंगेजमेंट के प्रोग्राम है कि किस नौजवान का किस पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्तगी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं खुद ऐसे नौजवानों को मिला हूँ जिन्होंने मुझे बताया जी कि हम PMLN को फॉलो करते हैं, हम पीपल्स पार्टी को फॉलो करते हैं। तो इसलिए इस प्रोग्राम को सियासी बुनियादों पर नहीं हम चला रहे हैं, ये ख़ास आप लोगों को एम्पावर करने के लिए के आए हैं। तो इसके तीनों ईज जो हैं, एम्प्लॉयमेंट वाला, एंगेजमेंट वाला जिसमें आपको बताया गया कि 1 लाख नौजवानों के लिए स्कॉलरशिप्स थी और तकरीबन अब शायद 12,000 रह गई हैं। मैंने VC साहब से ये भी वादा भी किया है और ED साहब मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, चेयरमैन साहब आपसे भी, कि हमें इस यूनिवर्सिटी में और ज़्यादा स्कॉलरशिप्स देनी चाहिए। बड़ा पोटेंशियल है मैं देख रहा हूँ, यहाँ 300 के करीब स्टूडेंट्स ने यहाँ अभी स्किल ट्रेनिंग ली है, जो मैं समझता हूँ काफ़ी नहीं है, इसको हमें डबल कम अज़ कम करना चाहिए। मैं तो वैसे VC साहब से 1,000 की बात कर रहा था, लेकिन फिर वही बात हो जाएगी जो ED साहब कर रहे थे कि माजी में सिर्फ वो एक होता है जी कि इतने लाख को हमने ट्रेनिंग दे दी है, क्वालिटी की तरफ नहीं हम जाते। तो मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा कि VC साहब ने भी ये नहीं कहा कि जी हम तैयार हैं, उन्होंने कहा मैं ये देखूँगा कि यूनिवर्सिटी कितना इस सारी स्कॉलरशिप का बोझ उठा सकती है। एंड ऑफ द डे हमने जिन नौजवानों को यहाँ ट्रेनिंग देनी है ये भी मेक श्योर करना है कि वो बाहर निकलते या उन्हें जॉब मिले या वो अपना बिज़नेस शुरू कर सकें। तो नौजवानों, अगर आप में से किसी ने कोई सवाल करना है मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए भी तैयार हूँ। और फवाद चौधरी साहब ने आना था सुबह पहले, तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब की कॉल आ गई तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं 1:15 तक आ जाऊँगा, तो हमने फिर प्रोग्राम का सारा फॉर्मेट चेंज कर दिया, जो पहले बाद में करना था वो हमने पहले कर लिया। तो मैं चाहता हूँ कि उनके आने तक अगर कोई ऐसे सवालात हैं आपके जहन में कोई भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या आप कोई सुजेशन दे सकते हैं कि हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसे प्रोग्राम रन किए जाएं या जो भी इश्यूज़ हैं। मेरे आने का असल मकसद है कि मैं आप लोगों को भी सुन सकूँ। तो माइक है कोई, अगर दे दें किसी को, चेक करो। अच्छा, बिस्मिल्लाह उस्मान डार साहब, यू आर टाइटल्ड एज द यूथ अफेयर्स, एज द स्पेशल असिस्टेंट टू द यूथ अफेयर्स। सो माय क्वेश्चन टू यू इज on a policy level, not just this program, but a broader level.
So when you talk about youth and the biggest problem that this country faces is the fact that there's a massive youth bulge. And so unemployment is high. So what is the government doing on an economic level, on a policy level, to actually, you know, generate jobs for the students that have you know, recently graduated? My second question to you is about the miserly literacy rate that is in Pakistan. It stands at 60% or thereabouts currently. And I myself, as a university-sponsored program under Shaud, which is a university organization, we used to run around and we used to grab three children and then have them enrolled in schools. So we have massive amounts of youth that is currently out of school. What is the government doing on a policy level to get these children back into school? And thirdly, sir, hum jitna marzi bachon ko degrees de dein, unke naam ke saath doctor laga dein, engineer laga dein, sir, jab tak hum unko ikhlaqiyat nahi sikhayenge, to mere khayal mein ye jo padhai hai, ye bemani hai aur bemaksad hai. To aapne ikhlaqiyat unki behtar karne ke liye kya aisi education mein, aisi curriculum mein reforms lane ka socha hai? दूसरी मेरी रिकमेंडेशन है नैफ्टा एक चेयरमैन साहब को. सर, जब दिस प्रोग्राम, इट्स अ ग्रेट प्रोग्राम, आई हैव स्टडीड द कोर्स कंटेंट ऑफ दिस, बट दिस प्रोग्राम इज़ वेरी इंस्टीट्यूशन सेंट्रिक. एंड सो एज एन इंस्टीट्यूशन लाइक आर्स, विच इज़ एयर यूनिवर्सिटी, वी हैव ब्रिलियंट इंस्ट्रक्टर्स सच एज उमर गौरी साहब, ही वॉज माई इंस्ट्रक्टर, एंड वी हैड अ ह्यूज एज ओवर द अदर स्टूडेंट्स. So therefore, I think there needs to be decentralization, and you need to basically take this on a government level. And the quality needs to be assured for all institutions, not just for institutions like Air University that already have a reputation, a very, very good standard. And as far as the vice chancellor is concerned, sir, the universities currently are unfortunately degree churning institutions. The skills that have been taught and job necessary skills are very miserly and very meager. So therefore, I recommend that you would amalgamate this program, which is a skill-based program, with the education basis, and then you combine the course to run them together. So these are my three questions. Thank you. आपका नाम क्या है? आमिर. ठीक है आमिर, thank you so much. अच्छा जी, इन्होंने तीन सवाल किए हैं. पहले तो मैं आपके सामने ये चीज़ रख दूँ, जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी ज़्यादती पाकिस्तान के नौजवानों के साथ की गई बात, मैं सियासी नहीं करने लगा लेकिन आप लोगों को बताना ज़रूरी है. जिस तरह 18वीं तरमीम में बहुत सारी चीज़ें डिवॉल्व कर दी गई, सूबों को दे दी गई, इसी तरह अनफॉर्चुनेटली यूथ को भी एक डिवॉल्व सब्जेक्ट बना दिया गया है पाकिस्तान में. 18वीं तरमीम की जो तलवार है वो पाकिस्तान के नौजवानों पे भी चली है, और मैं समझता हूँ ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक वालहाना मोहब्बत कह लें, इतमाद कह लें पाकिस्तान के नौजवानों पे, कि उन्होंने ये स्पेशल एक एज ए स्पेशल असिस्टेंट जो मुझे अपने साथ रखा है, सिर्फ इसलिए कि वो नज़र रख सकें कोऑर्डिनेशन के ज़रिए कि सूबों में भी क्या हो रहा है नौजवानों के लिए. अदरवाइज़ बड़ा आसान था हमारी हुकूमत के लिए कहना जी ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है, सिंध वाली गवर्नमेंट जो है जो भी डेवलपमेंट कर रही है तलीम पे, सेहत पे, इंफ्रास्ट्रक्चर, या जो आपने अभी जॉब क्रिएशन की बात की है. लेकिन हम उस चीज़ के पीछे नहीं छुपे, ये कामयाब जवान प्रोग्राम की शक्ल में या बहुत सारे मज़ीद जो नौजवानों के लिए फेडरल गवर्नमेंट प्रोग्राम कर रही है, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रही है, वो इंशाल्लाह ताला यूथ के सामने हम रखते रहेंगे. आपने पहला सवाल किया जॉब क्रिएशन का. देखिए, जॉब क्रिएशन किसी भी, आप चाहे मगरब को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, चाइना, सिंगापुर, सब ने जॉब क्रिएशन थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन की है. आपका एसएमई सेक्टर जब तक नहीं उठेगा, आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर जब तक नहीं उठेगा, इन लोगों के लिए आसानियां पैदा नहीं करेंगे. ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसकी बार बार प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बात कर रहे हैं, हमारी हुकूमत बात कर रही है. कोरोना के बावजूद अभी आप लोगों को जो मुईशत के इशारियों में मुस्बत चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है. टीवी टॉक शोज़ में तो ठीक है, अपोजिशन ने आना है, उन्होंने तो कोशिश करनी है कि हम किसी तरह ये साबित ना होने दें कि मौजूदा हुकूमत ने किस तरह की मुआशी तबाही को बेहतरी की तरफ लेके आ रही है.
तो ये जो अशारिया आज बेहतर आपको नज़र आ रहे हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 9% ग्रोथ नज़र आ रही है, एग्री सेक्टर में पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड गंदम की जो पैदावार हुई है 20 मिलियन टन से ज़्यादा, तो ये सारी चीज़ें आपकी जॉब क्रिएशन की तरफ ही आ रही हैं। आपके लिए हम हालात पैदा कर रहे हैं, आपके सामने अमेज़ॉन का पाकिस्तान में आना ये कुछ छोटी कामयाबी नहीं है। कितने लाखों नौजवानों को सिर्फ एक अमेज़ॉन के आने से यहाँ ऑनलाइन और ये वो जो बिजनेसेस चल रहे हैं, तो हुकूमत में जो आपको पहले कह रहा था गवर्नमेंट का ये काम है आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना, कारोबारी आसानियाँ जब तक यहाँ पैदा नहीं की जाएंगी लोग आगे नहीं बढ़ सकते, ना जॉब क्रिएट की जा सकती है। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं देखता हूँ एक लड़के ने MBA किया है, पता क्या चल रहा है जी, वो तो जूस वाली दुकान पे खड़ा हुआ जूस निकाल रहा है। जब मैं जाता हूँ मैं पूछता हूँ हर एक से, यार आपने क्या किया हुआ है? किसी ने इंजीनियरिंग किया, पता क्या चल रहा है क्रीम और ऊबर में पड़ गया, इसलिए कि जॉब उस तरह नहीं क्रिएशन हो रही, तो जी हमने कुछ ना कुछ तो करना है। तो ऐसे नौजवानों के लिए एक तो ये हम चला रहे हैं कामयाब जवान की शक्ल में जो इस प्लेटफॉर्म से आकर फ़ायदा ले सकता है, और दूसरा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद लीड कर रहे हैं, मैं खुद देखता हूँ तकरीबन वीकली बेस्ड जो हमारी SME सेक्टर्स और एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जुड़ी पॉलिसीज़ हैं तो उनमें किस तरह आसानियाँ पैदा करनी हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम जॉब क्रिएट कर सकें। और दूसरा देखें, आपने ये बात जो की है लिटरेसी की, इसमें मैं आपको अपना ज़ाती इनपुट देने लगूँ, मैंने ऐसा शफका महमूद साहब से, चूँकि ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है, फिर एजुकेशन सिंध के अपनी पॉलिसीज़ हैं, पंजाब अपनी कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा अपनी कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जैसे इस प्रोग्राम में भी आपने देखा हमने हाई एंड स्किल्स के ऊपर पूरी तवज्जो दी, चूँकि एंड ऑफ द डे तालीम, चले मैं उसको दो एंगल से देखता हूँ, एक आपको एक अच्छा इंसान बनाती है, मुआशरे में आप एक बेहतर इंसान और कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अगर आप पढ़े लिखे हैं, दूसरा जो हर एक कह के डिग्री होगी तो हमें जॉब मिल जाएगी, लेकिन आज मॉडर्न वर्ल्ड में एक फॉर्मल डिग्री काफ़ी नहीं है, इनफ नहीं है कि आप कहें जी मैं MBA कर लूँ, और जैसे मैंने आपको कहा कि आज लाखों MBA आपके सामने ही है, और फिर बहुत ज़्यादा होने की वजह से फिर मार्केट में उनके लिए जो एक प्राइस है जॉब के लिए वो भी उस तरह से नहीं है। अगर आपने MBA किया और साथ आप आज ये डाटा माइनिंग और ये जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस टाइप के कोर्सेज जो यहाँ कर रहे हैं उसकी मार्केट में राइट वे डिमांड है, या आप खुद ही एम्पावर होकर एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, तो मेरा तो ये तवज्जो इस चीज़ पे ज़्यादा देना चाहता हूँ कि हमें टेक्निकल एजुकेशन और स्किल्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देने की जरूरत। आप कह लें कुछ अगर आप कहना चाह रहे हैं इस पर, तो इंशाल्लाह ताला इस पे लगे हैं। शफका महमूद साहब भी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, मैंने वैसे आपका ये पॉइंट नोट कर लिया है और मैं इसके ऊपर ज़रूर नेक्स्ट कल जो हमारा प्रोग्राम है उधर मज़ीद जो इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं आप लोगों के सामने रखूँगा। लेकिन देखिए मेरी मजबूरी भी ये है, जैसे मैंने आपको कहा है कि यूथ एक क्रॉस कटिंग सब्जेक्ट है, ये कोई एक चीज़ नहीं है, बहुत सारे नौजवान ये कोविड में ए और ओ लेवल के पेपर्स के हवाले से इतना ज़्यादा मुझे कर रहे थे मैसेजेस जी के कैंसिल करवा दें और फिर ये करवा दें, उनकी एक अपने ये इश्यूज़ हैं। इसी तरह जो बाहर निकल रहे हैं, आपने जॉब की बात की है, जिनको जॉब चाहिए वो जॉब के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये भी कह लें अफसोस तो नहीं, लेकिन मैं फिर इसी बात पर जोर दूंगा, बहुत कम ऐसे नौजवान मिलते हैं जो तैयार हैं एक लीडिंग रोल लेने के लिए कि जी हाँ हम बिज़नेस रन करेंगे, हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे। जब तक हमारा एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट नहीं होगा हम बहुत बड़ी जॉब क्रिएट नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे लोग हैं, आप सक्सेस स्टोरीज अभी कामयाब जवान की हमने डॉक्यूमेंट्रीज पब्लिक करना शुरू की हैं, मैंने खुद यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम के जो 10,000 में से चंद लोगों को फ़ोन किया नौजवानों को, और मुझे बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने मुझे बताया किसी ने 70 लोगों को जॉब दी है। एक मोहतरमा से मेरी बात हुई, वो सॉफ्टवेयर हाउस में काम करती थी, इसी प्रोग्राम का हिस्सा बनकर उन्होंने अबाउट 2.6 मिलियन उन्हें मिले और उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर हाउस छोटा सा चलाया और उसमें 75 उन्होंने रखे हैं लोग जो जिनको जॉब क्रिएशन किया उन्होंने। इसी तरह मुख्तलिफ बिजनेसेस में जॉब क्रिएशन की जा रही है, तो आप लोग आगे बढ़ें, आप लोग इस यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम का हिस्सा बने,
और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप तो ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, आप अपने इलाके के लोगों के लिए, अपने कुलीग्स के लिए भी रोज़गार पैदा करने का सिलसिला पैदा करने का बनेंगे। दूसरा, आपने बड़ी अच्छी बात की है मॉरल और एथिक्स की, ये मैंने ख़ुद भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से बात की थी कि हमें ज़रूर एथिक्स और इन चीज़ों को अपने करिकुलम का हिस्सा बनाना चाहिए। देखिए, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, जो जिस तरह के मामला आपके सामने आ रहे हैं, फिर जो टीवी मीडिया रिपोर्टिंग चल रही हैं, मुख्तलिफ़ मुआशरे के इश्यूज जो हम देखते हैं, मैं तो ख़ुद हैरान रहता हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं जो ये सब कुछ देख रहे हैं, वो पता नहीं क्या तालीम और तरबियत ले रहे होंगे जब देखते हैं कि जी इसने इतनी बड़ी लूटमार कर दी है या इतनी बड़ी करप्शन करके मुल्क से निकल गए हैं, कोई मुल्क में मौजूद हैं और ये सारे मामला जो चल रहे हैं, तो इसके ऊपर ज़रूर होना चाहिए। आई फुली सपोर्ट इट। और आखिरी मैं एक जो फिर दूसरा क्वेश्चन लेने से पहले बात करना चाहूँगा, एंगेजमेंट में मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि पाकिस्तान की तारीख की पहली नेशनल यूथ काउंसिल भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ही बनाई है। आज से पहले कोई नेशनल यूथ काउंसिल नहीं थी और उसके भी जो नौजवान थे वो बिल्कुल मेरिट पे पब्लिक सेक्टर में जो उनकी अचीवमेंट्स थी उसकी बुनियाद पर बनाए गए। ओवरसीज़ उन्होंने बैनल अक्वामी सतह पर भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जो मुख्तलिफ हमारी वर्कशॉप्स हो रही हैं पाकिस्तान में उसमें नुमाइंदगी की, अभी उसका सेकंड बैच लॉन्च होने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि वो नौजवान जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अचीवमेंट्स हासिल की हैं वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ बैठ कर सलाह मशवरा कर सकें, नौजवानों के लिए पॉलिसी की जो मैं बात कर रहा था उसका इनपुट दे सकें। तो हमारी तो पूरी कोशिश है कि नौजवानों को मैक्सिमम एक्सेस दी जाए पावर कॉरिडोर्स में, और मैं और बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट्स इंशाल्लाह करूँगा ख़ुद भी, जो हमारी वर्कशॉप्स हैं नौजवानों के साथ वो करेंगे, ताकि आप लोगों के मसाइल सुन सकें और उनको इंशाल्लाह ताला तरजीही बुनियादों पर हल कर सकें। आप बात कर लें या फिर कोई और सवाल लेने की है? यार देख, अगर तो नहीं आ रहा ना तो मैं ही देख रहा हूँ। आप सर के ये जो है नॉट ओनली एयर यूनिवर्सिटी मगर सब जगह होना चाहिए और यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। देखिए, वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ दिस वाज के इसमें कंपटीशन हो बिटवीन द वेरियस इंस्टीट्यूट्स, एंड आई नो पाकिस्तान में हर चीज़ डिपेंड करी जाती है कि गवर्नमेंट कर दे। आई एम वन ऑफ दोज हु बिलीव दैट कि हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। सबसे बेहतर चीज़ होती है ऑटोनोमी और इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस खुद करें और वो खुद डिमांड जनरेट करें, वो खुद डिटरमिन करें कि क्या मार्केट में है। और एयर यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा काम करा है, हम लोग इनको और रिवॉर्ड करेंगे कि और स्कॉलरशिप्स इनके थ्रू बांटा जाए। अब इनकी सक्सेस देख के दूसरे अगर कॉपी करना चाहेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। बनिस्बत ये कि हम लोग पहले दिन से कहें कि हम लोग अखला कुल हैं और हम लोग सब कुछ जानते हैं और हम लोग एक यूनिफॉर्म पर अप्लाई करते हैं। तो यू नो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा हम लोग का एटीट्यूड रहता है कि गवर्नमेंट सब बेहतर जानती है और गवर्नमेंट हमेशा इन्फोर्स कर सकती है। गवर्नमेंट ज़रूर इंटेंशन सही होनी चाहिए और गवर्नमेंट की इंटेंशन है कि यूथ को एम्पावर करे जाए, मगर गवर्नमेंट के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन कभी नहीं होगी। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तो एयर यूनिवर्सिटी ने खुद देखा, अपनी कॉम्पिटेंस देखी, अपनी कैपेबिलिटीज़ देखी और फिर हम लोग ने एक एज गवर्नमेंट इदारा देखा कि कैसे इसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन हो और हम लोग ने इनको रिस्पॉन्ड करा, इनने आपसे रिस्पॉन्ड करा, इनने भी ये नहीं डिसाइड करा कि ये हम लोग बेस्ट जानते हैं, इनने स्टूडेंट्स के देखा कि क्या डिमांड है। तो ये एक एटीट्यूडनल चेंज हो, और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये, एंड ये नॉट सिंपली बिकॉज ऑफ आपका क्वेश्चन, एक बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, प्लीज़ फॉरगिव मी, मैं सोप बॉक्स पर बैठ गया हूँ तो मुझे मौका मिल रहा है, फवाद चौधरी ने मुझे मौका दे दिया बात करने का, कि बहुत ज़्यादा एक डिपेंडेंसी कल्चर है कि हर चीज़ गवर्नमेंट अगर करेगी तब भी हम हाथ हिलाएंगे। गवर्नमेंट ज़रूर एम्पावर करना चाहती है, आपके इन्वायरमेंट बनाने चाहती, बट द पावर इज विथ यू द यूथ, यू कैन ब्रिंग द चेंज, यू आर द चेंज, नॉट द गवर्नमेंट, यू आर द वंस हु आर गोइंग टू क्रिएट द जॉब्स।
Don't look at the government for jobs. Please, I beg you, the youth, to take the power in your own hands, not to do disruption, not to jaake tod phod kare, but to create jobs, to create your own welfare. That is where the power lies. And ye agar hamare youth mein aa jaye, this country will transform within years. It will not be because government will do the right things. Government apne jo interference hai, government jo apne zyada control hai, wo zara kam kar degi. आप लोग में इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि आप लोग खुद सक्सीड कर सकते हैं. दैट्स ऑल आई एम सेइंग. यस, नैफटेक का एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोर्सेज जो हों वो उसकी स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो, उसकी क्वालिटी मेंटेन हो. अगर एयर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर साहब अगर ये लोग डाइल्यूट करें स्टैंडर्ड्स, टीचर्स ट्रेनर जो हैं लेक्चरर्स सही नहीं हो, वी शुड देन इंटरवीन एंड मेक श्योर कि वो सही. वो हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और आप अगर any time, not only in this university, but any time you find that that is not the case, then please come and hold us responsible, NAFTEC, because that is NAFTEC's responsibility. But NAFTEC's responsibility is not to tell every university to do that exactly. They know better than us. Thank you. Haan ji. Am I audible? या अस्सलाम वालेकुम. माय नेम इज़ सहत बसम एंड मैंने यहाँ पे आज अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट किया अंडर डेटा माइनिंग कोर्स. सर मेरा क्वेश्चन है उस्मान सर से भी और डायरेक्टर नैफटेक से भी. एक तो ये कि अंडर दिस प्रोग्राम हमें बताया गया था कि हमारी इंटर्नशिप्स होंगी, ठीक है, जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग्स होंगी 2 वीक्स की. उसमें हमने देखा कि ये काफ़ी वीक एरिया है स्टिल, के जिसमें कोलेबोरेशन नहीं हो सकी इंडस्ट्री के साथ. अब वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड कि वो इंडस्ट्री साइड से कोलेब्रेशन नहीं हुई, वहाँ पे वीकनेस है, या इस प्रोग्राम के अंडर इसको इतना स्ट्रांग बनाया नहीं गया स्टिल. एंड माई सेकेंड क्वेश्चन इज़ कि जो प्रोग्राम जो जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ सक्सेसफुली कम्प्लीट किए हैं और जो सेकेंड बैच में न्यू प्रोग्राम्स आए हैं, उनमें से काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी सारे प्रीवियस प्रोग्राम का एडवांस कोर्सेज हैं. अब नैफटेक के अंडर क्योंकि हमने ये कोर्स कवर किया है तो हमें स्ट्रिक्टली ये इंस्ट्रक्शंस भी और हमें एवरीवन इज नॉन के वो एडिशनल कोर्स नहीं ले सकते, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो विलिंग होंगे उसका एडवांस कोर्स लेने के लिए. सो व्हाट अबाउट दैट कि उसमें नैफटेक हमें कितना सपोर्ट करेगी, या हमें सेल्फ फाइनेंस ही अगर हम कुछ स्टूडेंट्स विलिंग हों करने के लिए तो हमें उसमें कितनी फैसिलिटेशन दी जाएगी, क्योंकि क्लियर कट कुछ जगहों पे हमें कहा गया कि नहीं आप नहीं कर सकते आप आगे, लेकिन वो हैं ऐसे जो जिनकी बेस ये कोर्सेज बने हैं और एडवांस वो कोर्सेज हैं, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा मतलब सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है. और प्लस जो ड्यूरिंग प्रोग्राम हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम से ड्यू टू कोविड इंडस्ट्री नहीं कोलेबरेट नहीं किया या स्टिल क्या रीज़न है, बट वहाँ पे हमें काफ़ी वीकनेस हुई. शायद जॉब तो चलें बाद में या काम तो बाद में हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है कि ड्यूरिंग प्रोग्राम ही हमें जो एक इंडस्ट्री का विंडो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला हमें. तो वहाँ पे क्या काम हो रहा है इस सेक्टर पे? थैंक यू सो मच. अच्छा, इस पे ईडी साहब आपको रोशनी डालते हैं कि नैफटेक की क्या कोऑर्डिनेशन है इंडस्ट्री के साथ. लेकिन हम जो करने जा रहे हैं और वो बिल्कुल अंडर टेस्ट रन है, और वो भी नैफटेक अल्हम्दुलिल्लाह लीड कर रहा है, देख रहा है. नेक्स्ट नेशनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज टूल बनाया है हमने नैफटेक के साथ मिल के नौजवानों के लिए बिलखसूस, जिस पे ये आप लोगों के सारे क्रीडेंशल्स हम डाल देंगे, डाटा भी डाल देंगे, और जितनी मल्टीनेशनल्स हैं या इंडस्ट्री की आप बात कर रही हैं उनको भी हम उसके ऊपर लेके आ रहे हैं. इवन जो सरकारी जॉब्स हैं, प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब्स, आप लोगों का डाटा सारा उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम अपलोड करने जा रहे हैं, ताकि जो सबसे बड़ा इशू भी रहा है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है पाकिस्तान में जिसमें इतने बड़े पैमाने में सरकारी जॉब्स भी आ रही हों, वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर जॉब्स, और प्राइवेट सेक्टर की भी. तो वो नेक्स्ट इस वक्त टेस्ट रन में चल रहा है. तकरीबन कितने हज़ार जॉब्स आ रही हैं उस पर? 5,000 जॉब्स अभी. हाँ, तकरीबन अगर 5,000 जॉब्स आज भी उसके ऊपर डिस्प्ले हो रही हैं, और उसके साथ 15,000 स्टूडेंट्स का ये कह रहे हैं डाटा डाला है. तो ये एक सर्च इंजन आप कह लें जॉब्स का नेक्स्ट जो है वो किरदार अदा करेगा इंशाल्लाह ताला. अभी हम उसको फॉर्मली उस तरह से लॉन्च नहीं कर रहे, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से करवाएँगे,
हमारा था कि इसको हम अच्छे तरीके से चेक कर लें, अगर इसमें कोई मसले मसाइल हैं तो वो भी दूर करें। तो वो एक प्लेटफॉर्म तो यूथ के लिए इंशाल्लाह ताला आ रहा है, लेकिन एज ए इंस्टीट्यूशन नैफटेक, जो आपने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट उठाया कि एकेडमिया और इंडस्ट्री का जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है उसको कैसे दूर करना, वो ज़रा बात कर लेंगे। इसमें इस तरह है, जिस तरह मैंने पहले भी आपको गुजारिश की थी, कुछ चीज़ें थी जो सिर्फ नाम के लिए, पिछले जब हमने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को असेस किया तो चीज़ें थी लेकिन वो सिर्फ नाम की थी। जैसे पिछले एक बैच में हमने कंपलसरी किया था कि कम से कम 3 हफ्ते की इंडस्ट्री बेस्ड ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाए इंस्टीट्यूट्स को। उसका हमें जो फीडबैक जब हमने उसका लिया तो फीडबैक हमें नहीं मिला, क्योंकि वो सिर्फ नाम के लिए इंडस्ट्री में बच्चों को बिठा दिया जाता था और इतना बेनिफिशियल नहीं था। इस बैच में हमने ये किया कि इसको ऑप्शनल कर दिया, और जिस तरह चेयरमैन साहब ने भी कहा, हमने पूरी की पूरी उसको डिस्क्रिशन दी कंसर्न्ड इंस्टीट्यूट को कि अगर वो समझते हैं कि जैसे अगर कोई आप में से कोई नौजवान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कर रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उसको सर्टन वीक्स उसमें ट्रेनिंग करवानी है उसने इंडस्ट्री के साथ, तो हमने उनकी डिस्क्रिशन पर रखा कि आप बिल्कुल करवा लें, लेकिन वो कंपल्सरी हमने उसमें नहीं रखा। और जहाँ जहाँ पर ये फील हुआ, जिसको कोर्सेज की नौीयत मुख्तलिफ है, कुछ कोर्सेज में इंडस्ट्री के साथ जाके इंडस्ट्री बेस्ड ट्रेनिंग हैंड्स ऑन स्किल्स लेना बेनिफिशियल है, कुछ में वो इतना बेनिफिशियल नहीं है, तो वी लेफ्ट इट टू द यूनिवर्सिटी। स्टिल अगर कोई समझते हैं कि उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग करनी है, इसका एक और कंपोनेंट है ट्रेनिंग का अप्रेंटिसशिप, उसके थ्रू आप इंडस्ट्री बेस्ड ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। सो दैट वॉज रिलेटेड टू योर क्वेश्चन के इंडस्ट्री बेस्ड ट्रेनिंग के लिए, अगर आप इजाज़त दें, एक्सपोजर अगर आप इजाज़त दें तो मैं वाइस चांसलर मैं इसका जवाब दूँ। जी जी प्लीज़, उसके बाद फिर मैं आपके दूसरे सवाल जी बिल्कुल जी बिल्कुल एक था पार्ट ऑफ द प्लान, लेकिन ये था कि इस कोर्स में डिस्ट्रप्शन इतनी ज़्यादा हुई कि जिस तरह मैं आपको कह रहा था पहला दिन है कि ये हॉल आबाद हुआ है, सो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन थी और वो सेफ नहीं था कि आप वो OJTs कराएं। इस वजह से इंटर्नशिप्स या जो इंडस्ट्रियल लिंकेजेस से सफ़र, लेकिन आई एम श्योर कि अल्लाह करे हालात बेहतर रहें तो ये जो अगला कोर्स होगा ये से ज़रूर बेनिफिट उठाएगा, और ये हमारे रेडार पे भी है और हम ये करवाएंगे भी इंशाल्लाह। थैंक यू। देखिए जिस तरह VC साहब ने कहा, अगर हम कंपलसरी कर देते और इन जो अभी हालात हैं उसका ख्याल ना रखते तो शायद आप लोगों की जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है उस तरीके से इंश्योर ना हो सकती, तो इसलिए हमने इसको यूनिवर्सिटी के डिस्क्रिशन पे छोड़ा था, जो उन्होंने बेहतर समझा उसी तरीके से आपका कोर्स कंप्लीट कराया। सेकंड क्वेश्चन आपका ये था कि एक नौजवान को ये मौका देना कि एक कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर उसका कोई एडवांस लेवल है और उसमें वो इनरोल होना सकता है, डेफिनेटली ये इस पर हमने काफ़ी सोचा। हमारा मकसद ये था कि जितने हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं और इसको ऑब्वियसली गवर्नमेंट इसके जो स्कोप है वो इंक्रीज़ करना चाह रही है, उस रिसोर्स से मैक्सिमम यूथ को बेनिफिट करवाएं। हमारे पास पिछले हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनके भी यूथ ने अगले बैचेस में इनरोल करने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन अगर हम एक एक स्टूडेंट को तीन चार कोर्सेज करवाएंगे तो ये मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा से वो मकसद नहीं हासिल हो सकेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान उसमें से बेनिफिट हो सके। हमने आपको एक बेसिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है, जैसे अगर आपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स में किया है आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो गया है। अब यूनिवर्सिटी आपके सामने है, बाकी कोर्सेज आपके सामने हैं, आप अपने सोर्सेज पे या मुख्तलिफ जो लोन स्कीम्स हैं उसके बेसिस पे मज़ीद कोर्सेज में दाखला हासिल करें और उससे बेनिफिट हो सके, बाकी कोर्सेज से आपके बाकी साथी जो हैं वो सर प्रॉब्लम असल में यही आई थी कि हमने ऑप्शन भी दिया था, स्पेशली मैंने ऑप्शन दिया था कि अगर हमें सेल्फ फाइनेंस के ही तौर पे हमें ऑप्शन दी जाए कि हम एनरोल होना चाहें, तो उसमें भी हमें कोई मतलब सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिला। तो आपकी बात ठीक है कि आपका प्रोग्राम तो एक बेसिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए जहाँ से हमारा फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है, बट एडिशनली बिकॉज हमने भी ग्रेजुएशन बैक इन द ईयर्स किया है और इट्स अ नीड ऑफ टाइम कि हमें एडवांस होना पड़ेगा, तो अब वो एडवांस होने के लिए ये दिस इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम जो कि मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पे हमें इतनी अच्छी एजुकेशन लाइक ट्रेनिंग ऑन हैंड्स प्रैक्टिस मिली है, तो इसमें काफ़ी मुराल अप हुआ था एंड दैट्स द रीज़न के हम इंटरेस्टेड थे कि हम फर्दर प्रोग्राम्स में भी इनरोल हों, और अगर उसको चाहे वो हाफ सेल्फ फाइनेंस्ड हो या फुली सेल्फ फाइनेंस्ड हो, इवन जो स्टूडेंट्स मतलब अफोर्ड कर सकते हैं और जो लेना चाहते हैं तो उनको एंटरटेन किया जाए। एंड द सेकेंड थिंग कि जो
एयर यूनिवर्सिटी के ने बात की है कि वो एंटरटेन करेंगे जो नेक्स्ट बैच है, तो आई सजेस्ट के उसमें फिर वो अपने प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स को भी ज़रूर कंसिडर करें, यानी कि नेक्स्ट टाइम अगर जब भी ये इंडस्ट्री को